वैसा लॉन्च मैंने नहीं देखा था और आपने भी शायद ना देखा हो। और जिस लॉन्च में हम पहुंचे हैं, जिसकी कीमतों के बारे में पता चला है, जिसके कलर ऑप्शन के बारे में पता चला है, ऐलान हुए हैं सारे कि कहां कहां बिकेगी, वो फिलहाल बनती हुई हमें नजर आ रही है। जी हाँ, हम रॉयल इनफील्ड के प्लांट में मौजूद हैं, जहाँ पर वापसी कर रही है बुलेट जे सीरीज इंजन के साथ 2023 बुलेट। क्या कलर ऑप्शंस हैं, क्या स्पेक्स हैं, क्या कुछ बदलाव है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया टाइम्स लाइव के यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बढ़िए इस बुलेट 2023 की कहानी के साथ। आपको सबसे पहले बताएं कि यहाँ पर 5 कलर ऑप्शन आपको बुलेट जो 350 है नई वाली उसमें आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर एक मिलिट्री रेड है, एक मिलिट्री ब्लैक है, एक स्टैंडर्ड मरून है, एक ब्लैक गोल्ड है और एक स्टैंडर्ड ब्लैक है। तो ये 5 रंग का ऑप्शन आपको बुलेट 350 नई वाली में देखने को मिल रहा है। तो इस असेंबली लाइन पर 5 मिनट आप गुजारिए और आप इस मोटरसाइकिल को पूरा बनते हुए देख सकते हैं। शुरुआत में जो ढांचा था, अब देखिए यहाँ तक आते आते ये बुलेट 350 कितनी हद तक तैयार हो गई है। तो जैसा मैंने बताया, 5 कलर हैं यहाँ पर आपको, ये आगे फिलहाल ब्लैक जो मॉडल है वो देखने को मिल रहा है। तो अब असेंबली लाइन से बढ़ते हैं उन मुद्दों के ऊपर, उन एस्पेक्ट के ऊपर जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग। और फाइनली ये बनकर तैयार होगी रॉयल इनफील्ड, अब यहाँ से इस असेंबली लाइन से बाहर निकलेगी। और ये वक्त वो है जब हम आपको बता दें कि जो 3 वेरियंट्स हैं उसको 3 पे क्या क्या है। 1.73 लाख से शुरू हो रही है, 1.97 लाख में आपको सेकेंड वेरियंट मिलेगा, जो टॉप एंड है वो 2,15,000 के आसपास एक शोरूम प्राइस के साथ आपको मिलेगा। अब इन सब के बाद थोड़ा नज़दीक से देखते हैं इस मोटरसाइकिल को। तो दोस्तों ये फाइनल शेप एंड साइज इस लेटेस्ट बुलेट का, बुलेट 2023 का, जो 350 सीसी में ही आई है। और हम लोगों को लग रहा था कि शायद 500 सीसी वाला वर्जन भी आएगा, लेकिन फिलहाल जो इंजन हमने जे सीरीज का बाकी 350 सीसी जो रॉयल इनफील्ड की हाल की बाइक्स हैं उनमें देखा है, वही आपको इसमें देखने को मिलेगा। इस 350 सीसी इंजन से ताकत जो है वो 20.2 bhp की निकल रही है, लगभग 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो इस मोटरसाइकिल में जो टिपिकल एलिमेंट्स थे कुछ एक, वो आपको अभी भी बरकरार इसमें देखने को मिलेंगे। यहाँ हेडलैम्प की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ही सर्कुलर फ्लैट्स आपको हेडलैम्प यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो फेस है उसे देखते ही आपको याद आएगी रेगुलर जो बुलेट हमें आदत है देखने की। यहाँ पर ईगल आई जो पायलट लैम्प्स आप देख सकते हैं वो अभी भी इसमें बरकरार रखा गया है, और उसमें अंदर जो है वो हैलोजन लाइट ही देखने को मिल रहा है। सो फील इसमें वो रेट्रो वाली है। जो मॉडर्न एलिमेंट है वो आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में देखने को मिलेगा, जिसके नीचे हल्का सा छोटा सा एक डिजिटल मीटर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये देखिए क्रोम के एंड वाला यहाँ पर की होल, और फील जो है वो पूरी प्रीमियम और सॉलिड इसमें आपको नज़र आ रही है। जो इग्निशन के लिए हमें आजकल लेवर मिल रहा है वही आपको इस बाकी रॉयल इनफील्ड बाइक्स में, वही आपको इस बुलेट में भी देखने को मिल रहा है। जो बैजिंग है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्रीमियम सी फील और रेट्रो फील के साथ ये आपको देखने को मिल रही है। सीट का जो शेप है मोर लेस ऑलमोस्ट फ्लैट वाला, ऑलमोस्ट फ्लैट है, वो आपको याद दिलाएगा कि उसी बुलेट में जिस तरह से हम देख रहे थे। और साइड पैनल में भी आपको बुलेट की बैजिंग देखने को मिलेगी। जो पिछला हिस्सा है ये थोड़ा सा मॉडर्न आपको नज़र आएगा, जो टेल लैम्प है, जिस सर्कुलर टेल लैम्प आपको इसमें दिया गया है। आगे आपको 19 इंच के टायर्स मिल रहे हैं, पीछे आपको 18 इंच के टायर्स मिल रहे हैं, और दोनों में आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल रहा है। अब इस स्टोरी की असली बात, यानी अगर हिंदुस्तान में रॉयल इनफील्ड की बात करें तो बुलेट ने उसके खास पहचान बनाई थी। और बुलेट की बात करें तो उसकी खास पहचान क्या थी, वो थी उसकी आवाज़, उसका थंप। तो उसे हम करते हैं स्टार्ट और आपको सुनाने की कोशिश करते हैं इसकी आवाज़ में दम है या नहीं। हम तो मैं सुन पा रहा हूँ
यानी जहाँ से गुजरेगी, हो सकता है कि आप ये ना कहें कि हाँ बुलेट जा रही है, नई वाली रॉयल इनफील्ड जा रही है, लेकिन थंप आपको उसमें महसूस होगा। डिस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा जो अभी इस स्टोर में या इस आवाज़ में जो महसूस हो रहा है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि हाँ आप पहचान तो जाएंगे ही कौन सी बाइक आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो नए लुक, नए इंजन, नई कीमत के साथ बुलेट आई है, वो आपको कैसी लगी जो अभी तक जिस पैकेज के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? इसके अलावा जो पुरानी बुलेट थी उसके जाने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? हम ज़रूर जानना चाहेंगे, तो कमेंट करके हमें बताइए कि इस लेटेस्ट रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के ऊपर आपकी क्या राय है। फिलहाल बाय बाय, ड्राइव सेफ्टी, राइड सेफ्टी एंड सी यू सून।